सामग्री तो बहुत बड़ी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि हम आज जाने वाले हैं उस्मानाबाद टू परंडा। तो वहाँ पर एक किला है, भुईकुट किला, तो वो आपको दिखाते हैं वहाँ का। और यहाँ से तकरीबन 60-70 किलोमीटर है और हमें तकरीबन 2-2.5 घंटे लग सकते हैं वहाँ पर जाने के लिए। तो वहाँ पर आपको दिखाते हैं और विजिट कराते हैं और पूरा टूर कराते हैं वो किला जो भी है, जितना भी है। तो चलिए गाइस। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यहाँ पर ये किले के सामने। तो अभी हम ठहरे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले ये ब्रिज नहीं था, यहाँ पर लकड़ी का ब्रिज था जो फोल्ड होता था। और अभी हम यहाँ पर रुके हैं तो दरवाजे के गेट के बाहर यहाँ पर रुके हैं। तो आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आप ऊपर सुराख देख रहे हैं, यहाँ पर जो उनके दुश्मन थे यहाँ पर आए तो यहाँ पर उनके ऊपर तेल या गर्म पानी वहाँ पर डाला जाता था। और अभी अंदर जाके और अभी आपको टूर कराते हैं और दिखाते हैं कि कैसा है अंदर का व्यू। चले गए किले के अंदर। एंटर होने के बाद आपको यहाँ पर ये दिखता है, यहाँ पर एक पार्टी है जो सूचना है यहाँ पर। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत छोटी छोटी तोहफे हैं यहाँ पर रखे हुए हैं मेरे पीछे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी हैं यहाँ पर तोहफे। तो आपको आगे भी दिखाते हैं और पूरा किला जो है विजिट कराते हैं आपको और टूर कराते हैं। तो चले गए। जगह का जो नाम है गाइज, इसका जगह का नाम है रणमंडल। देखिए ऊपर न बहुत सारे आ चुके हैं। जो कि यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर सैनिक जो इस्तेमाल
दिखाते हैं, यहाँ पर एक कुआं भी है जो यहाँ पर राजा रानी जो आंग नहाते थे और वहाँ पर स्नान करते थे, तो आपको वो भी दिखाते हैं। पता चला तो यहाँ पर कुल मिलाकर तोहफे जो है जो 67 तोहफा है कुल मिलाकर, और पंच धातु के 11 तोहफे हैं। यहाँ पर पूरे एक एक बुरुज पर एक एक तोफ रखी गई है, तो कुल मिला के 26 बुरुज हैं जो कि हर किनारे हैं। और ये जो किला है तो इसके नीचे से यहाँ पर
पर थी जो चारों कोनों में चार तोहफे बड़ी बड़ी रखी थी वो भी आपको दिखाई। और आपको इस ब्लॉग में कुछ भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा तो इस ब्लॉग को लाइक करना, मेरे छोटे से ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत अच्छा है। और इस जो किला है इसे बहुत अच्छी तरह हमने दिखाने की कोशिश की है, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।